ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଜଗଦଲପୁର ସହରର ଅଟଲ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କୋଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇଠି ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି। ନକ୍ସଲଙ୍କର ଭୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟରଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲଗାତାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଭୋଟର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଭଳିଆ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୋଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମହିଳା ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନକରି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳା ଭୋଟର୍ସମାନେ। କିଛି ମହିଳା ଭୋଟର୍ସଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଯେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ। ମ୍ୟାମ୍ କ୍ୟା ବୋଲନା ଚାହତେ ହେଁ ଆପ ୟହାଁ ଆଏ ହୋ ଇଲେକ୍ସନ୍ କେ ଲିଏ ଭୋଟ ଦେନେ ୟେ ଆପକା ପହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପହେଲା ଭୋଟ ହେ ୟେ ନା ଔର ମୈଁ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଉତ୍ସୁକ ହୁଁ ଭୋଟ ଦେନେ କେ ଲିଏ। ଔର କ୍ୟା କ୍ୟା ମୁଦ୍ଦା ଆପ ଦେଖ ରହେ ହୋ ୟେ ସରକାର ମୁଦ୍ଦା मतलब नहीं नहीं ये जो आप वोट देने के लिए आ रहे हो क्या डेवलपमेंट के लिए या महिला सुरक्षा देख के क्या चीज़ देख ऐसे तो देखा जाए तो बहुत कुछ है ना अगर कंसीडर किया जाए तो। पर मैं देखना चाहती हूँ कि अभी आजकल तो बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी के ऊपर ही मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ और बस और क्या। और किसी महिला वोटर्स अच्छा सीधा सड़क तक रिएक्शन नवा मैडम क्या आप जो इतना लंबा लाइन में आके वोट दे रहे हैं नक्सलियों का भय रहता है यहाँ पे फिर भी आप लोग इतना देर से वोट दे रहे हैं कैसे लग रहा है। अच्छा लग रहा है वेट करके देने से और क्या बात करेंगे। ये बोलने से क्या मुद्दा में लेके आए हो ये जो इलेक्शन जो चल रहा है आप क्या सोच के आए हो या क्या कौन से पार्टी को देख के इलेक्शन में वोट देने के लिए आए हो या सरकार को देख के आए हो। ऐसे कुछ नहीं ऐसी सैटिस्फेक्शन के लिए। आप देखुंत महिला मान जो रिएक्शन देखुले आवक अच्छा युवपीढ़ी रिएक्शन नवा सर क्या बोलना चाहते हैं ये आपका पहला वोट है फर्स्ट टाइम है और मैं ये बोलना चाहता हूँ वोट सबको देना चाहिए और फ्री मतलब आना चाहिए वोट देने। कैसे लग रहा है पहली बार वोट? अच्छा लग रहा है मतलब हक है तो हक को इस्तेमाल तो करना चाहिए। भारत में एक चीज़ यही है जो सबके पास है वो फ्री में तो इसको तो ज़रूर आके देना चाहिए और आओ वोट दो मेरा बोलना यही है। हो गया सर देखुले जो युवपीढ़ी थे से जहाँ कौन घर बाहर एवं वोट दिंतु जड़े सीनियर सिटीजन अच्छा रिएक्शन नवा सर क्या बोलने चाहते कैसे सरकार को किस टाइप का सरकार को चुनने के लिए आप यहाँ पे वोट देने के लिए आए हो। 5 साल में एक बार मौका मिलता है इलेक्शन का अधिकार होता है वोट देने का अधिकार होता है। अब सरकार तो चुन रही है सरकार पब्लिक बदल ही रही है खाली एक को चुनती है दूसरे को चुनती है तो बस बदल के रही है प्रयोग कर रही है अब देखो कब तक प्रयोग चलता रहता है बस वही है। बाकी मतदान तो लोग प्रतिशत जागरूकता के चलते लोग मतदान कर रहे हैं। बस्तर में नक्सलियों का भय रहता है आज भी ब्लास्ट हुआ है कंटिन्यू 3 से 4 दिन हो गया नक्सलियों का दबदबा देखने मिल रहा है फिर भी यहाँ पे वोटिंग अच्छा चल रहा है जो बूथ में आ रहे हैं महिला लोग आ रहे हैं और सीनियर सिटीजन भी आ रहे हैं। नक्सली क्षेत्र वो दक्षिण बस्तर में ही है बस्तर जगदलपुर विधानसभा में तो इसका कोई असर है नहीं तो इसलिए यहाँ पे कोई भय नहीं इसलिए लोग फ्री होकर वोट कर रहे हैं। 5 साल के सरकार में क्या डेवलप देखे? अब सब डेवलप ही डेवलप तो बोल रहे हैं सब नेता बोलते हैं हम ही डेवलप कर रहे हैं लेकिन क्या डेवलप हो रहा है पब्लिक तो वैसी भी है कोई ज़्यादा अंतर पब्लिक को तो नहीं मिलता है बस चेहरे बदलते रहते हैं कोई कभी कुछ और बस सरकार अगर आप सरकार वही अपनी योजनाओं के हिसाब से जीतती है कि कोई 3500 दे रहा है कोई 3100 दे रहा है और हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे बस उसी में है बाकी तो ज़मीन में तो वैसी ही करीब करीब ज़मीन में कोई बदलाव नहीं है योजना असर कर जाती है। ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭୋଟର୍ସ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଯେଉଁ ଭୋଟର୍ସ ଥିଲେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛତିଶଗଡ଼ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଗତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଛି ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ଼ର ଗେମ୍ ଖେଳିଛି ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାକୁ ଏଠି ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ଼ର ଗେମ୍ ଖେଳିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
चलो जी। प्रथम पर्याय निर्वाचन जो भाया भाव में दिन तमाम लंबा लाइन देखा मिलता किसी एभली दृश्य मध्य आम आपन को देखू जड़े दिव्यांग भाई दीर्घ समय धरिकी सी लाइन रे अच्छा भोट देवाई केते एक्साइटेड अच्छा पांच वर्ष को जो सुजोग मिले सी जो निर्वाचन जो महासमारोह अच्छी महासमारोह जो सुजोग मिले सी के एक्साइटेड अच्छा सीधा साल प्रतिक्रिया ना सर पहले तो आपको अर्गस न्यूज में स्वागत है। कैसा लग रहा है आप इलेक्शन में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने खुशी से आया वोट डालने के वास्ते डाला, बहुत अच्छा लगा। मेन मुद्दा क्या है, छत्तीसगढ़ का विकास, कर्मचारियों का उत्थान, ओपीएस लागू हो गया और बहुत अच्छी खुशी की बात है। और जो डेली वेजेस कर्मचारी हैं उनको भी रेगुलर किया जाना चाहिए। जो लेकिन यहाँ पे तो नक्सलियों का हिंसा ज़्यादा देखने के लिए मैं दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो तो सरकार कहाँ भी कहाँ नाकाम है नक्सलियों को रोकने। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो एकदम उपगिरी करते हैं उन्हीं को ऐसा घटना होता है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग जाते रहते हैं उधर, कई बार हम लोग दौरा किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो यहीं पर वहीं के वासिंदा हैं, पूरा नारायणपुर बीजापुर पूरा जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप इतना तकलीफ में हैं फिर भी आप वोट देने के लिए आए हैं, क्या अपील करेंगे जनता को आप? मैं जनता को यही अपील करूंगा, अपने घर से आए मतदान करें, ये खुशी की बात है। ये हम अच्छा जागरूक बने और एक सशक्त सरकार बनाए, बस। क्या क्या बोलने से ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादातर है, ये जो बस्तर में ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जहाँ देखते आए हैं रास्ता का थोड़ा बेहाल है और यहाँ पे जो फार्मर्स लोग हैं उनको भी थोड़ा सरकार के तरफ से कुछ सुविधा नहीं दिया गया है बोल रहे हैं। नहीं देना चाहिए, सुविधा तो देना चाहिए। और कहीं इंटीरियर एरिया में कहीं कहीं रोड खस्ता हालत है, उनको भी बनाना चाहिए और केंद्र सरकार से भी कुछ राशि आना चाहिए यहाँ पर, तो अच्छी बात है। बाकी तो पूरा डेवलप हुआ है, दंतेवाड़ा डेवलप हुआ है, बीजापुर डेवलप हुआ है, सुकमा डेवलप हो गया, बहुत डेवलप हुआ ये 5-6 सालों में, अच्छा हुआ है। इस साल कुछ परिवर्तन का लहर अब देखो क्या होता है, ऐसे तो सारे लोग बोल रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जनता के ऊपर निर्भर करता है। बाबरे ये थिले आम सहित जो दिव्यांग भाई थिले जे सीधा साल सी प्रतिक्रिया दूसरे जे प्रत्येक 5 वर्ष को थे जो परिवर्तन रो लहर छत्तीसगढ़ देखा मिलूँ सीटा कंटिन्यूस एवं जो विकास रो जो मुद्दा कही खास करके जो ग्रामीण अंचल जो विकास रो मुद्दा रे जो इलेक्शन हम तापर जो कही नक्सली भय कौटिना कौटी जगदलपुर अंचल नक्सली रो भय नहीं लंबा लाइन देखा मिली भोटर्स मानक दिव्यांग भाई मध्य आसिक दीर्घ समय धरिकी रही लाइन रे तो सीए जहाँ कहते कि जो सरकार आसुना कहीं विकास धारा को बचे रखु एवं जो सरकार आसो से सरकार लोकों सेवा करू बोल कि छत्तीसगढ़ रु कैमरा पर्सन विकास के सह सुमित कुमार घंट अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।